हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। सवाल एक पूछा गया है कि क्या अगर ऐसी एंट्री करनी हो टैली ईआरपी 9 या प्राइम में तो संभव है। सवाल क्या है ध्यान से सुनिएगा। ₹5,000 का गुड्स खरीदा, ठीक है, या 5,000 या ₹10,000 का सामान बेचा, जिस भी पार्टी को बेचा उस पार्टी का नाम भी आप चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि केवल ऐसा सवाल हो कि ₹5,000 का सामान खरीदा या बेचा, तो कैसे इसकी एंट्री पास करेंगे। हालांकि एक बार मैंने इसको बताया है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। यहां पर आ चुके हैं टैली ईआरपी 9 में, आप देख सकते हैं यहां पर है परचेज वाउचर। जैसे ही परचेज में आते हैं तो खरीदने का ध्यान आता है, परचेज का मतलब ही होता है खरीदना। तो यहां पर हम एंट्री पास कैसे करेंगे। अब यहां पर नेम ऑफ आइटम आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा आइटम इनवॉइस मोड में, आसानी रहती है उसी में हम एंट्री पास कर लेते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री ना करके किसी और मोड में एंट्री करेंगे। तो यहां पर पट्टी सी जो बनी हुई है, यहां पर आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा अकाउंटिंग इनवॉइस, ये जो दिख रहा है ना, इसके नीचे एक लाइन बनी हुई है, आई के ठीक नीचे एक लाइन बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये बटन आपको Alt के साथ दबाना है। किसके साथ दबाना है, Alt के साथ। तो यहां पर अगर दो लाइन बनी होती तो जैसे ये है, तो ये देखिए यहां पर एज वाउचर अगर करना होता तो यही बटन, आप डबल लाइन बनी हुई है, डबल लाइन का मतलब है कंट्रोल के साथ दबाइए, और सिंगल लाइन है तो उसका मतलब है कि Alt के साथ दबाइए, ठीक है। तो अभी हम Alt के साथ आई प्रेस कर लेते हैं। तो जैसे ही Alt के साथ आई प्रेस करते हैं, सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाती है। देख सकते हैं यहां पर आ गए, यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, ठीक है, एंटर किया। यहां पर आएगा नाम, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो कैश कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्रेडिटर पार्टी का नाम दिया गया है कि इनसे खरीदा ₹5,000 का सामान, तो सामान खरीदा। अब इसमें लिस्ट नहीं दी गई है कि कौन कौन सा सामान खरीदा, यह ध्यान रखिएगा लिस्ट नहीं है, इनसे सामान खरीदा, तो परचेज वाउचर में जब भी आएगा तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा। अल्ट सी करके मान लीजिए कि रितेश होलसेलर से हमने ₹50,000 का सामान खरीदा, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं रितेश होलसेलर, ओके, तो ये लिख दिया रितेश होलसेलर और इनसे ₹50,000 का सामान खरीदा है। तो ये रितेश होलसेलर किस में जाएगा बताइए, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर इसको कर दीजिएगा और बाकी की चीजें इसको ऐसे रख करके एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर रितेश होलसेलर का लेजर आ जाएगा, स्टेट सेम है, ठीक है। यहां पर आते हैं तो यहां पर पर्टिकुलर आ जाता है, देख सकते हैं यहां पर क्या आया हुआ है, पर्टिकुलर आया हुआ है, तो सामान खरीदा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अल्ट सी करके, जैसा कि देख चुके हैं लेजर क्रिएशन वाले विंडो ओपन हो गई है। अब यहां पे लेजर किसका बनाना है, लेजर किसी पार्टी का नहीं लगाना है, यह बात ध्यान रखनी है। यहां पर सिंपल लगाना है लेजर परचेज का, किसका लेजर लगाएंगे, परचेज का, ठीक है। और यहां पर किसी सामान का नाम नहीं लिखना है आपको, आपको ऐसा नहीं है कि गुड्स लिख देना है या ऐसा कुछ लिख देना है, यहां पर सीधा सीधा परचेज अकाउंट आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये परचेज अकाउंट कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, ये अंडर परचेज अकाउंट जाएगा, ये तो आपको पता है ही। तो यहां परचेज अकाउंट करते हुए आगे निकलिए, यहां पर एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कराइए। तो यहां पर परचेज अकाउंट आ गया। अब ₹5,000 का खरीदा है, सीधे तौर पर यहां मैंने ₹50,000 डाल दिए हैं, देख सकते हैं ये ₹50,000 हमने एंटर करवा भी दिए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ₹50,000 डाल देने हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर क्या डालना है, ₹50,000, ठीक है। अब एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां नरेशन चाहे तो डाल सकते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब आपका बिल जो जनरेट होकर आएगा वो कैसे आएगा, यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये 50,000 वाली एंट्री थी हमारी। तो ये देखिए यहां पे अल्ट पी प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है, यहां से हमें प्रीव्यू दिखाना है, ठीक है। ये नो प्रीव्यू दिया, ये विथ प्रीव्यू दिया, तो फिलहाल हमें प्रीव्यू रखना है। तो ये देखिए ये आपका इनवॉइस है, ये इनवॉइस कुछ इस तरीके से जनरेट होकर आएगा, यहां पर 50,000 का बिल तैयार है, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब इसी तरह की एंट्री सेल्स में पास करनी है तो क्या करेंगे, कैसे वो एंट्री पास होगी। तो ये तो परचेस हमने कर लिया, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सेल्स में, सेल्स की बात कर लेते हैं। तो F8 प्रेस करके आ जाते हैं सेल्स वाउचर में, ये आ गए सेल्स वाउचर में, यहां पर भी सेम मोड में हम हैं, ठीक है। अब यहां से सप्लायर का कुछ रेफरेंस नंबर जो भी है, रेफरेंस नंबर, सप्लायर का इनवॉइस नंबर नहीं बल्कि रेफरेंस नंबर यहां पे डाल देंगे। और यहां पर आकर के अब यहां पर हमें किसी एक डेटर पार्टी को लेना होगा, तो यहां पे बना लेते हैं एक डेटर पार्टी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूं अभिषेक, अभिषेक ये डेटर पार्टी का नाम है जो सामान खरीदेगा हमसे,
ठीक है, यहां डी कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ये जाएगा सन्ड्री डेटर ग्रुप में, किसमें जाएगा सन्ड्री डेटर, तो यहां से डेटर कर देना, वहां पे क्रेडिटर था, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रख दीजिएगा, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अभी जीएसटी की बात मैं नहीं कर रहा, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करवा लेते हैं, सेम स्टेट का मामला है, ठीक है। जीएसटी की हालांकि बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट, वहां पर आया था परचेज अकाउंट, यहां पर क्या आएगा सेल्स अकाउंट आएगा, तो अल्ट सी करिए और यहां पे कर दीजिए सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये सेल्स अकाउंट कर दिया, एंटर किया, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में इसको रख देंगे, सेल्स अंडर सेल्स, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अंडर सेल्स अकाउंट में इसको डाल दीजिएगा, एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कराइए। यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पे हमने कितने का सामान बेचा है वो देना है, तो जैसे मान लीजिए 30,000 रुपए का सामान बेचा है, क्वेश्चन में दिया गया 30,000 का, आपका जितना दिया हो वहां पे एंटर कर सकते हैं, इसको एंटर किया, यहां पे नरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे नरेशन में क्या डालेंगे, 30,000, ठीक है, हैज बीन सोल्ड, अब ये बेचा गया है तो ये उधार में बेचा गया है, ऑन क्रेडिट कर देंगे, ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो ये हो गया, ये इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब ये एक्सेप्ट कराने के बाद इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं, कैसा प्रिंट आउट आएगा, यही हमारा सेल्स वाला है, और यहां से अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पर आपको प्रीव्यू नजर भी आ जाएगा, ये देख सकते हैं, यहां पर आइएगा तो ये देखिए, ये जूम करके इसको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से ये आएगा आपके सामने। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि इस तरह की एंट्री पास करनी है तो कैसे आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अन्य वीडियोस के लिए, अन्य चीजों के लिए देखते रहिए, ठीक है, और सवालों के जवाब आपके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।